को पढ़ते हैं यहां से हम शुरू करते हैं बेटा विंड ये जो विंड है इस विंड विंड को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा पवन। जब भी नाम आता है ठीक है तो हमारे दिमाग में एक वर्ड और आ जाता है साथ साथ एयर तो बेटा एयर और विंड इन दोनों में डिफरेंस होता है एक बेटा याद रखना इन दोनों में क्या होता है डिफरेंस ये जो एयर है यानी जो वायु है वायु क्या है एक मिक्सचर है एक मिश्रण है इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, गैस होती है इसमें धूल के कण होते हैं इसमें जलवाष्प होती है इसमें नमक के कण होते हैं इसमें धूल के कण होते हैं इन सबका जो मिक्सचर है वो अपने आप में क्या है वही है वायु ठीक है तो वायु की जब भी हम बात करते हैं तो एक तो मिक्सचर की बात करते हैं दूसरी स्थिरता की बात करते हैं कि जैसे मैं इस कमरे में पढ़ा रहा हूं आपको आप भी किसी कमरे में हैं वहां पर आप सांस ले पा रहे हो तो आखिर सांस कहां से ले रहे हो आपके चारों तरफ वायु है आपके चारों तरफ एयर है वही आपके नाक के थ्रू कहाँ जा रही है हमारे फेफड़ों में जा रही है और फेफड़ों से वो धीरे धीरे हमारे ब्लड में प्रवेश कर रही है और ब्लड में प्रवेश करते हुए हमारे सीधे कहाँ जा रही है हमारे कोशिकाओं में जा रही है वहाँ माइट्रोकोंडिया के माइट्रोकोंडिया उस ऑक्सीजन का यूज करके हमारे खाने को चला रहा है और हमें एनर्जी मिल रही है ठीक है लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है वो है हमारा पवन ठीक है तो बेटा एक बात याद रखना ये जो वायु है ठीक है तो वायु का क्षेत्रज प्रवाह समझना मैं जो जो एक एक चीज बता रहा हूं ठीक है वायु का क्षेत्रिज प्रवाह क्षेत्र प्रवाह को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल फ्लो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट यानी वायु जब हॉरिजॉन्टल चलने लग जाए यानी वायु की जो गति हो कैसी हो क्षेत्रिज हो जैसे मैंने आपको बताई थी आंधी आती है सामने से आती है अगर सामने कोई पंखा लगा दे टेबल फैन लगा दे वहां से छेतिज हवा आती है तूफान आता है वो भी छेतिज आता है तो अगर वायु मूवमेंट करना शुरू कर दे और कैसा मूवमेंट वो मूवमेंट होना चाहिए हॉरिजॉन्टल तो वायु जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करती है एयर जब क्षैतिज प्रवाहित होती है तो इसी को हम बेटा बोलते हैं इसी को बोलते हैं हम पवन बात को समझ में आएगी नहीं तो आपको एयर और जो विंड है इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ गया होगा अब विंड की अगर मूवमेंट बढ़ा दें बात समझ ये थोड़ा मैं यहां पे लिख दूं। बेटा विंड की अगर हम मूवमेंट बढ़ा दें यानी गति बढ़ा दें इस तरह से अगर मैं बता दूं तो वही क्या हो जाती है वही हो जाती है आंधी इसकी और गति बढ़ा दें तो वही हो जाता है बेटा तूफान और क्या समझोगे इतनी बहुत है बात समझ में आएगी अब आपको पवन तो समझ में आ गई चलिए अब जैसे ही पवन हुआ अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आखिर चलती क्यों रहती हैं। बचपन में तो हम ये समझते थे कि कहीं पर एक बड़े बड़े से पंखा लगे होंगे और कोई उसको दबा देता होगा और हवा चलने लग जाती होगी लेकिन बेटा यह हमारी मिथिक था हमें बचपन में इसी तरह से समझाया जाता है वो जरूरी भी था क्योंकि आपको वहां पर अगर मैं बताता कि बेटा एक बात है यहां पर तापमान है जहां पर तापमान ज़्यादा होता है वहां पर लो प्रेशर होता है जहां पर तापमान कम होता है वहां पर हाई प्रेशर होता है दाब में अंतर आ जाता है और वायु क्षेत्र प्रवाहित होने लग जाती है तो उसी को हम पवन कहते हैं तो शायद उस समय आपके ये समझ में नहीं आता इसलिए हमने इस समय के लिए आपके उम्र के हिसाब से जैसे जैसे आप बड़े होते गए उसके लिए हमने आपको यह संभाल रखा है तो आज हम बताएंगे इन पवन का चलने का कारण क्या है ठीक है तो चलिए बेटा आगे चलते हैं हम यहां मैं बिता दे रहा हूं द रीजन बिहाइंडमेंट तो विंड मूवमेंट का क्या कारण है यह समझ लीजिए पवन का या पवन के प्रवाह का कारण प्रवाह का कारण ठीक है बेटा चलिए पवन के जो प्रवाह का सबसे बड़ा कारण है आज मैं आपको जनरली बता रहा हूं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं आप उससे थोड़ा सा समझ पाओगे ठीक है पहले मैं थोड़ा समझ रहा हूँ समझा रहा हूं और आप क्लास को देखिए अच्छे से समझिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं पवन के प्रवाह यानी जो हमारी विंड है उसके मूवमेंट का कारण क्या है तो उसके मूवमेंट का कारण है दाव प्रवणता क्या कारण है देख लो अच्छे से इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा प्रेशर ग्रेडियंट मैं आप इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूं आपको पूरी पीपीटी आपको मिलेगी पी आपको मिलेगी वो आपकी क्लास के बाद आपको ये मिल जाएगा कोई डोंट वरी आपको इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है दाब प्रवणता प्रेशर ग्रेडियंट अब बहुत सारे लोग हैं जिनके दिमाग में आ रहा होगा सर यह प्रवणता क्या होता है बड़ा नया शब्द ले आए हुआ प्रवणता

दाब का मतलब होता है दाब भिन्नता अब थोड़ा सा आपको अंतर समझ में आ रहा होगा कि प्रवणता को क्या कहते हैं प्रवणता बड़ा लंबा चौड़ा शब्द है बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है बेटा आपके लिए पहली बार है इसलिए थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा होगा वैसे बहुत सिंपल है और भी अंत और भी आसन कर दूं चलिए दाब में अंतर ठीक है दाब में अंतर यानी दाब में जब अंतर आता है उसके कारण पवन का प्रवाह होता है दाब में कारण से पवन का प्रवाह होता है तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि पवन के प्रवाह का कारण क्या है तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए दाब प्रवणता ठीक है एक बार क्वेश्चन भी आया था कि बताओ पवन के प्रवाह का कारण क्या है तो उसमें था दाब प्रवणता तापमान प्रवणता या दोनों या इनमें से कोई नहीं तो बेटा ऐसी कंडीशन में आपको देखना है कि वास्तव में क्या कारक जिम्मेदार हैं दाब प्रवणता है भले ही दाब का तापमान से संबंध है लेकिन ये सेकेंडरी रिलेशन है इसलिए हमें फर्स्ट रिलेशन को ध्यान में रखना है वो है हमारी दाब प्रवणता बेटा देखो अब बहुत अच्छे से समझ लेते हैं दाब में अंतर तो देखो दाब में अंतर जैसे कहीं पर बेटा जैसे पहले याद रखना हम यहां पे जिस दाब की बात कर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं वायुमंडलीय दाब की वायुमंडलीय दाब ठीक है जो एयर है हमारे ऊपर बेटा प्रेशर डालती है और ऐसे आपके ढेरों घर में प्रैक्टिकल किया होगा कुछ एग्जाम्पल बता दूं अगर माने तो देखो कुछ एग्जाम्पल देखो एक काम करना एक घर में से गिलास उठाना गिलास उठाकर मुंह पे लगाना और थोड़ी सी हवा अंदर खींच लेना तो गिलास आपके मुंह से चिपक जाएगा आखिर क्या आपने गिलास के बीच में क्या कोई फेविक्विक लगाई थी नहीं लगाई थी गिलास क्यों चुपक गया गिलास इसलिए चुपक गया क्योंकि उसका एक कारण है एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि वायुदाब आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा की अलग से पूरी क्लास चलेगी आज पवन है इस कारण में आपको केवल वायु थोड़े से बता रहा हूं एक और मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं एक तो यह वायुदाब हो गया आपने कभी इंजेक्शन वाली सरेंज तो खेले हो बचपन में सब खेले हो आप आगे एक उंगली लगा लेना उस रेंज में और फिर खींचना आप बड़ी मुश्किल से उसे खींच पाएंगे तो क्यों खींच नहीं पा रहे हो क्यों आपको ज्यादा फोर्स लग रहा है वह फोर्स किसके अंग लग रहा है वह बल किसी के विरुद्ध तो लगा रहे हो तो वह वा वायुमंडलीय दाव है जो गिलास मुंह से चुपक गया था वह वा वायुमंडलीय दाव है ठीक है जो सरंज नहीं खींच पा रहे हैं वो भी वायुमंडली दाब है और एक एग्जाम्पल आपने सिक्स सेवन एथ की क्लास में देखा होगा दो कटोरे जो होते हैं दो कटोरे बड़े बड़े ले लो कटोरे इतने बड़े बड़े और दोनों में से वैक्यूम कर दो हवा निकाल दो दोनों को चिपका दो और दोनों तरफ पंद्रह पंद्रह घोड़े लगा दो तो भी उस कटोरे को खींच नहीं पाते हैं ये है हमारा वायुदाब कभी अन्य क्लास में मैं आपको पूरी तरह से इसके डिटेल के बारे में जाऊंगा अभी थोड़ा सा बस वायुदाब समझ लो ये वायु दाब है और वायु दाब को बेटा बैरोमीटर के थ्रू मेजर मेजर किया जाता है और लिखा जाता है मिली बार में ठीक है मिली बार में तो चलो अब मैं यहां पर लिख रहा हूं सात सौ मिली बार ऐसे यहां पर लिख दिया एक मैंने लिख दिया बेटा आठ सौ मिली बार अब समझना दाब का मापक है दाब को ऐसी मेजर किया जाता है सात सौ मिली बार ठीक है आठ सौ मिली बार अब देखिए मैंने क्या बताया दाब में भिन्नता दोनों में दाब में भिन्नता है बताइए कम कौन है सात सौ या आठ सौ आठ सौ ज्यादा है सात सौ कम है तो ये हो गया बेटा कम दाब यानी लो प्रेशर यह हो गया ज्यादा दाब यानी हाई प्रेशर ये जो दाब है दाब जो भिन्नता है प्रेशर ग्रेडियंट है यह रिलेटिव होता है यह मत सोचना तो यहां पर हाई हाई प्रेशर 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 और लो ये ये लो इसी को कहते हैं दाब का अंतर इसी को कहते हैं दाब भिन्नता इसी को कहते हैं दाब प्रवणता इसी को कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट बात समझ में आई करें चलिए अब आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा तो हम और आगे बताते हैं क्या बताते हैं थोड़ा सा समझ लो अब समझ में आ गया नहीं तो वायु दाब अंतर क्या है यानी दाब क्या है यानी ये। तो कम दाब और ज्यादा दाब हाई प्रेशर और लो प्रेशर ठीक है चलिए अभी हाई प्रेशर लो प्रेशर क्यों बनता है ये भी आगे में बता दूं देखिए थोड़ा सा समझो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है बहुत सिंपल है समझ में भी, भी आ जाएगा देखिए ये कोई सरफेस है <coughs> <coughs> सॉरी समझना ये कोई सरफेस है ये कोई धरातल है अब धरातल में क्या हुई ये हवा बेटा नीचे आ रही है यहां पर हवा क्या आ रही है ऊपर की हवा क्या आ रही है नीचे आ रही है <coughs> <coughs> तब ये मत ना सर यह मत कह ना कि हवा से नीचे क्यों आ रही है आपने भी देखा होगा ए चलती है एसी में हवा निकलती है वो बेटा नीचे आती है ऊपर नहीं आती हवा नीचे बैठती है ना एक एग्जाम्पल बता रहा हूं घर से तभी आपको समझ में आए क्लाइमेट लॉजी बहुत सिंपल है बेटा ऐसी भर दूँगा आपके दिमाग में कि आपके भी जीवन में भूल नहीं पाओगे ठीक है तो ये जो हमारी जो क्या है ये जो मैं एसी बता रहा हूँ एसी में से हवा निकली ठंडी है वो क्या हो गई हल्की सी नीचे बैठती है यही कारण है कि एसी ऊपर लगाई जाती है क्योंकि ठंडी हवा बेटा नीचे बैठती है यही रीजन है कि जो रेफ्रिजरेटर जो होते हैं रेफ्रिजरेटर में जो जो कूलिंग वाला जो सेक्टर होता है वो भी कहा होता है ऊपर होता है क्योंकि ठंडी हवा बेटा नीचे बैठती है बात यह समझ में आएगी नहीं तो चलिए तो अब एक और एग्जाम्पल दू मैं आपको और सिंपल बता दूं कि अगर आप चाय बना रहे हो केतली में या दूध उबाल रहे हो तो वहां पे भी तो वायु है जलवास्प है वो जलवास्प आपने देखी होगी ऊपर जा रही होती है तो वायु में बेटा दो तरह के मूवमेंट होते रहते हैं लंबवत मूवमेंट होता है वायु ठंडी होकर बेटा नीचे आ जाती है और गर्म होकर ऊपर चली जाती है इसलिए मैं बता रहा हूं अगर वायु ये क्या है बेटा एयर है ठीक है ये क्या है एयर है यहां पे एयर नीचे आ रही है और अगर यहां पर अगर आप एयर को देखो तो क्या हो रही है ये एयर ऊपर जा रही है अब ये बाद में बताऊंगा एयर ऊपर और नीचे क्यों जाती है एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है जब एयर नीचे आ रही है देखो समझना एयर नीचे आ रही है तो यहां पे पहले से एयर होगी यहां पे एयर थी यहां पे भी बेटा एयर थी ठीक है अब देखो समझना इस बात को चलिए यहां पे एयर थी अब क्या हुआ ये वाली एयर नीचे आ गई तो यहां पे और हवा... ये वाली हवा भी आ गई बताओ ज्यादा हवा हो गई

कम रह जाएगी क्योंकि यहाँ की हवा तो ऊपर जा रही है तो यहाँ हवा की मात्रा क्या हो जाएगी कम तो कम हवा लो प्रेशर ज्यादा हवा हाई प्रेशर सीधी बात है जहां पर हवा ज्यादा है वहां पर हाई प्रेशर है जहां पर हवा कम है वहां पर लो प्रेशर है सिंपल है जहां पर हवा ज्यादा हो जाएगी वहां पर हाई प्रेशर हो जाएगा और जहां पर हवा कम रह जाएगी वहां पर लो प्रेशर हो जाएगा ठीक है अब हाई प्रेशर और लो प्रेशर बनने चाहिए ये बनेंगे तभी पवन चलेगी क्योंकि मैंने आपको बताया था पवन चलने का कारण क्या है तो पवन चलने का कारण क्या है दाब में भिन्नता दाब प्रवणता दाब में अंतर और दाब में अंतर कब आएगा मूवमेंट करें यहां पर अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है समझ आएगी नहीं तो जहां डाउनवर्ड मूवमेंट होता है बेटा वहां पर हाई प्रेशर बनता है क्योंकि वहां पर ज्यादा हवा होगी और जहां पर अपवर्ड मूवमेंट होता है वहां पर लो प्रेशर बनता है क्योंकि वहां पर वायु की मात्रा कम हो जाएगी चलिए अब ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर यानी कब वायु ऊपर उठेगी कब वायु नीचे उठेगी इसके लिए दो कारक जिम्मेदार होते हैं टू फैक्टर ठीक है इसके लिए क्या है दो फैक्टर जिम्मेदार हैं कि हवा नीचे आएगी या ऊपर जाएगी ठीक है हाई प्रेशर बनेगा या लो प्रेशर बनेगा इसके लिए दो कारक जिम्मेदार हैं। एक तो बेटा है सिंपल है वो है बेटा तापमान देशर और दूसरा अगर हम देखेंगे तो वो क्या है वो है हमारी पृथ्वी का प्रक्षेप्य बल हमारी पृथ्वी का प्रक्षेप बल है ठीक है प्रक्षेप भी है यानी वो गतिक कारण उसको हम क्या कह सकते तापमान का कारक है और यहां पे हम और अच्छे से बताएं प्रक्षेप भी है वैसे गतिक कारण भी है वो भी मैं आपको बताता हूं बात समझ आएगी नहीं तो चलिए पहला एक कारण समझ लेते हैं पहला कारण क्या है तापमान पहला कारण क्या होता है बेटा तापमान तापमान के कारण हाई प्रेशर लो प्रेशर बनते हैं ठीक है क्यों देखो समझो इस बात को मैं थोड़ा समझा रहा हूं मैं इस कमरे में हूँ यहाँ का तापमान बड़ा ज़्यादा हो जाए तापमान ज़्यादा होगा वायु के जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तापमान को एब्ज़ॉर्ब करेंगे और जो हमारी वायु है वो ऊपर चली जाएगी और यहाँ पर वायु कम हो जाएगी लो प्रेशर बनेगा तो देखो बेटा यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं तापमान ज्यादा होगा तो वायु एयर विकम हॉट एंड राइज अपवर्ड सो क्रिएट लो प्रेशर तो बेटा लो प्रेशर हो गया सिंपल है व्हेन एयर बिकम कूल जब वायु क्या हो जाए ठंडी हो जाए ठंडी होने के बाद क्या होगी वायु नीचे बैठेगी क्योंकि मैंने अभी ऐसी वाला एग्जाम्पल दिया था याद करो हवा नीचे बैठ रही थी तो हवा क्या है वो नीचे बैठेगी दैट नीचे बैठेगी तापमान कम होगा हवा नीचे बैठेगी ज्यादा हवा हो जाएगी और हाई प्रेशर का निर्माण हो जाएगा बात समझ आएगी नहीं तो तापमान के कारण हाई प्रेशर और लो प्रेशर इनका निर्माण हमारी पृथ्वी पर होता है और हमारी पृथ्वी पर तापमान में भिन्नता है क्योंकि सूरज एक तरफ ही तो निकलता है दूसरी तरफ तो नहीं निकलता हर जगह सूरज की जो किरणें हैं उनका कोण अलग अलग बनता है और अलग अलग बनने के कारण वहां पर तापमान में भी भिन्नता होती है और तापमान में भिन्नता होगी तो दाब में भी भिन्नता होती है हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन हैं अपवाद हैं लेकिन आपको क्योंकि मैं शुरुआत कर रहा हूं इसलिए आपको वो मैं आपको एक्सेप्शन भी आगे बताऊंगा ठीक है चलिए पहले तो हो गया कौन सा हमने तापमान बता दिया तापमान और वायु दाब में बेटा उल्टा संबंध है तापमान ज्यादा होगा वायुदाब कम होगा तापमान कम होगा वायुदाब ज्यादा होगा चलिए एक तो ये हो गया दूसरा मैंने क्या बताया था बल यानी कारण ठीक है तो गति कारण में भी मैं आपको यहां पे मिटा दे रहा हूं यहां पे समझा दे रहा हूं गतिक कारण या उसको प्रक्षेप बल भी कहते हैं बड़ी देर में मिट रहा है तो बेटा अब हम पढ़ते हैं यहां पर वाइड ले लेते हैं प्रक्षेप बल इसके लिए आपको कोरियोल बल के बारे में हम बताएंगे जिसको हम बाद में बताएंगे ये बेटा हमारी पृथ्वी है पहले यहां पे पृथ्वी समझ लो बेटा ये इक्वेटर है जीरो डिग्री जानते ही हो ये आपका नॉर्थ पोल है और ये यहाँ पर साउथ पोल है बेटा पृथ्वी का जो प्रक्षेप बल है पृथ्वी से दूर जाने वाला फोर्स है वो क्या होता है कुछ इस तरह से होता है कुछ क्या होता है उस तरह से होता है पृथ्वी का जो प्रक्षेप बल है वो भूमध्य रेखा पर होता है जीरो और ध्रुवों पर होता है बेटा मैक्सिमम ध्रुवों पर मैक्सिमम होता है और यहां पे मिनिमम होता है ठीक है यहां पे मिनिमम होता है तो यहां पर वायु को ऊपर नहीं उठना चाहिए लेकिन तापमान के कारण यहां से वायु उठती है मैं अभी आगे बताऊंगा ठीक है लेकिन एक स्थान है हमारी पृथ्वी पर कौन सा स्थान है साठ से पैसठ डिग्री सेंटी डिग्री ठीक है नॉर्थ और यहां पर भी है साठ से पैसठ डिग्री साउथ यहां पर प्रक्षेप जो बल है उस पर तापमान का कारक प्रभाव नहीं डालता है इस कारण जब पृथ्वी घूमती है पृथ्वी किधर घूमती है वेस्ट टू ईस्ट घूमती है पृथ्वी के घूमने के कारण यहां से वायु ऊपर उठना शुरू कर देती है जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं ऊपर उठना यह एक एग्जाम्पल आप समझोगे घर में अगर कभी आपने लट्टू वगैरह घुमाया होगा कभी लट्टू घुमाना जोर से अगर लट्टू में से कोई चीज टूटती है तो बेटा पास घूमती है दूर भागती है तो दूर भागते है वही प्रक्षेप बल होता है वही मैंने आपको यहां पर बताया है तो दो कारण है कि वायु हमारी अपवर्ड मूवमेंट करती है तो कुछ स्थान पर प्रति वहां पर तापमान कारक नहीं होता प्रक्षेप कारक होता है गति कारक होते हैं वो अभी मैं आपको आगे बता रहा हूं ठीक है चलिए बेटा अब यहां पे मिटा दूं बड़ी देर में क्यों मिट रहा है यहां पर इरेजर इसको थोड़ा बड़ा करूं अब बेटा अब आपको यह समझ में आ गया होगा अब मैं बता दूं थोड़ा सा पवनों के बारे में ठीक है पवनों के बारे में देख लो ये जो बेटा पवन है ठीक है मुख्य रूप से बेटा ये दो प्रकार की होती है एक होती है जो धरातल पर चलती है तो वो है धरातलीय पवन मुझे पता है लेकिन मैं इंग्लिश में लिख नहीं रहा हूं ठीक है इनको कहते हैं सरफेस विंड ठीक है एक होती है ऊपरी वायुमंडलीय प्रवाह ऊपरी वायुमंडलीय प्रवाह ठीक है देखो अब ये थोड़ा सा समझना इस बात को एक जो वायु है जहां पर हम रहते हैं हम किस पे रहते हैं ना सरफेस पर रहते हैं हम धरती पर रहते हैं कभी कभी कहते हैं ज्यादा मत उड़ो मतल उड़ो का मतलब क्या होता है अरे यार धरती पर रहो धरती पर रहोगे तो धरती की चीज़ों से मुलाकात होती रहेगी पवन से हमारी मुलाकात होती रहती है आंधियों से हमारी मुलाकात होती रहती है हमारे यहाँ मानसून आता है उससे हमारी मुलाकात होती है लेकिन कुछ लोगों की मुलाकात या जो जेट चलाते हैं जेट का नाम सुना है जेट जेट जो विमान होते हैं जो जेट विमान चलाते हैं उनकी मुलाकात आठ या नौ किलोमीटर ऊपर एक हवा से होती है जहां हम बिना जेट के नहीं पहुंच सकते ऊपर मुलाकात होती है वहां पर उन्हें दिखाई देता है कि कुछ वहां पर भी वायु चल रही है छेतीज वायु चल रही है बेटा वहां पर पवन छज चल रही होती है ऊपर क्योंकि उनकी खोज जेट से हुई थी द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान हुई थी इस कारण उनका नाम जेट स्ट्रीम रख दिया गया है तो ऊपरी जो वायुमंडल प्रवाह जो होता है बेटा उसी को हम क्या बोलते हैं जेट स्ट्रीम बोलते हैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा और इसके लिए आपको पता होना चाहिए वायुमंडल की परतें तो वायुमंडल की परतें आप अच्छे से याद रखना और उसमें आपको याद रखना सबसे पहली परत क्षोभ मंडल है समताप मंडल है मध्यमंडल है ठीक है इसके बाद तापमंडल इसे आयनोस्फीयर भी कहते हैं और फिर एग्जोस्फीयर है इस तरह से यहां पर यह भी चलता रहता है वो भी आपको याद रखना है चलिए यहां पर मैं बता दे रहा हूं जो धरातली पवन हैं अब ये धरातली पवन हैं बेटा ये तीन भागों में बटी हुई है देखो समझ लो अच्छे से समझाऊंगा एक एक चीज को एक को कहते हैं बेटा ग्रही पवन अब मैंने गलत लिख दिया ग्रही कुछ कुछ कह रहे होंगे सर ग्रही ये तो घर घर परिवार में आप बता गए ठीक है ग्रही पवन प्लेनेटरी प्लेनेटरीवेंट ग्रही पवन दूसरी क्या होती है बेटा मौसमी पवन सीजनल विंड और एक होती है बेटा स्थानीय पवन स्थानीय पवन। पवन बेटा पवन पढ़ रहे हो तो मैं आपको एक चीज और बता दूं पवन अगर आप पढ़ रहे हो तो मैं आपको एक चीज और बता दूं यह भी आपको याद रखना है क्या आपको याद रखना है वो थोड़ा समझिए पवन बेटा जिधर से चलती है अगर कोई पवन पश्चिम से चल रही है तो उसे पछुआ पवन कहेंगे अगर कोई पवन पूरब से चल रही है तो उसे पूर्वा पवन कहेंगे अगर दक्षिण पश्चिम से चल रही है तो दक्षिण पश्चिम पवन कहेंगे तो पवन जिधर से चलती है उसी को पवन की डायरेक्शन कहते हैं याद रखना जैसे ये आपको जानते होंगे ये नॉर्थ है ये साउथ है ये ईस्ट है ये वेस्ट है तो कुछ विंड मान लो ये विंड है ऐसे चल रही है तीर किधर है बेटा इसका देखो पूरब की ओर चल रही है लेकिन इस पवन को क्या कहेंगे पछुआ पवन कहेंगे ये ध्यान रखना क्योंकि पश्चिम से चल रही है वेस्ट इंडीज है और कोई पवन ऐसे चल रही है तो ये किधर चल रही है वेस्ट इससे कोई फर्क नहीं है ये किधर से चल रही है पूर्व से तो इसको पूर्वा पवन कहेंगे अगर कोई पवन ऐसे चलने लग जाए तो देखो इसकी डायरेक्शन क्या है साउथ वेस्ट और इसकी क्या है नॉर्थ ईस्ट तो ये किधर से चल रही है साउथ वेस्ट से चल रही है तो इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहेंगे बात समझ में आएगी नहीं चलिए मिटा दे रहा हूं बेटा मजा आ जाएगा आपको पूरे उसको पढ़ने में ठीक है ओके चलिए बेटा अब यहाँ के ग्रही पवनों को भी मैं थोड़ा सा बांट लेता हूं अगर ऐसे नहीं बांटू तो ज्यादा अच्छा है ठीक है ये जो ग्रही पवने हैं इनको कहते हैं बेटा व्यापारिक पवन अब मैं बताऊंगा कहाँ चलती है ये व्यापारिक पवन ठीक है दूसरी होती है बेटा पछुआ पवन तीसरी होती है पोलर विंड यानी ध्रुवीय या पवन ठीक है अगर हम मौसमी पवनों की बात करें तो ये भी मौसमी जो पवने हैं वो भी क्या होती हैं तीन भाग में बटी होती हैं इन्हीं में होता है हमारा जाना पहचाना नाम आपको समझ में आ गया होगा मानसून ठीक है एक क्या होती है सी ब्रिज होती है और लैंड ब्रिज ठीक है ऐसी समझ लो सी और लैंड ब्रिज होती है और एक होती है बेटा पर्वतीय और घाटी समीर पर्वतीय और घाटी समीर ठीक है बेटा अब ये जो लोकल विंड है ये लोकल विंड बेटा दो तरह की होती हैं एक होती है ठंडी और एक होती है बेटा गर्म जैसे आपने सुना होगा गर्मियों में हमारे यहां लू चलती है ठीक है एड्रियाटिक सागर के ऊपर मिस्ट्रल चलती है इस तरह से भी आपको याद रखना है ये मैं अभी आपको बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा जेट स्ट्रीम स्टीमी बेटा चार प्रकार की होती है ठीक है ध्रुवीय जेट स्ट्रीम होती हैं ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम होती हैं पछुआ जेट स्ट्रीम भी होती हैं और इसके अलावा ये जो तुम्हारी पूर्वी जेट स्ट्रीम भी होती है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जब मानसून पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा बताऊँगा शीर के बारे में ठीक है तो ये आपको समझ में आ गया ये सारी पवन मैंने आपको लिख दी हैं चलिए तो पवनों को समझते हैं और मैंने आपको बताया था पवन चलने का कारण जो है अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूँ ये बेटा ग्रही पवन क्या किसे कहते हैं जो ग्रही पवन हैं उनकी डायरेक्शन बरस भर एक समान रहती है अंतर नहीं आता ग्रही पवनों की जो दिशा में अंतर नहीं आता वर्ष भर एक ही दिशा को फॉलो करती है इस कारण ने ग्रही पवन कहते हैं यह हमारा जो ग्रह है पृथ्वी जो है उसके हिसाब से चलती है इस कारण ग्रही पवन कहते हैं मौसमी पवन ये अपना डायरेक्शन बदलती रहती है जैसे हमारे यहाँ पे मानसून आता है दक्षिण पश्चिम मानसून आ गया गर्मियों में लेकिन फिर मानसून लौटने लग जाता है उत्तर पूर्वी मानसून आ जाता है हो गया चेंज हो गया क्या नहीं वन एट्टी डिग्री पर चेंज हो गया पहले ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ रहा है हो गया ये जो है भाई साहब ये वाली जो पवन है ये बड़ी मज़ेदार है कितनी मज़ेदार हैं ये किसी रूल्स रेगुलेशन का पालन नहीं करती तो आप में से कोई स्टूडेंट अगर रूल रेगुलेशन का इस्तेमाल पालन नहीं करता है तो आप भी उसे स्थानीय पवन कह सकते हो अरे बड़ा लोकल है अब तो कुछ याद आया लोकल है ये क्लास के नियम कानून का पालन नहीं करता अगर कहीं स्कूल में पढ़ने पर, पर, जाते हो लड़ाई वगैरह होती है तो यही बात तो होती है ये तो लोकल है भैया काम अच्छा काम करो ये होता है ना चलिए मिटा दूं ठीक है ओके चलो पहले मैं मिटा दे रहा हूं और मिटाने के बाद में फिर आगे चलूंगा इन्हीं पवनों के बारे में बेटा आपको बताऊंगा बस एक टॉपिक और मैं खत्म कर दे रहा हूं जिससे कि देखिए ओके चलिए बेटा हाई प्रेशर और लो प्रेशर हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बिना पवन नहीं चलती उन्हें चलते हैं यहां पर एक गोला बना लेता हूं यह बेटा हमारी पृथ्वी है बनेगी हमारी पृथ्वी गोला हालांकि सही नहीं है मैं पीपीटी से बनाता हूं गोला आ, तो चलो आज तो मैं ऐसी क्लास ले रहा हूं इसलिए मैं आपको बता दूं चलिए अब यहां पर थोड़ा समझना बीच है बिल्कुल चलिए बीच है तो यहां पे एक लैंड बना दे रहे हैं जिसे हम जीरो डिग्री कहते हैं ठीक है यहां से बेटा थोड़ा सा पांच डिग्री ऊपर ले, ले लेते हैं और यहीं से हम क्या करते हैं पाँच डिग्री ले, ले लेते हैं दक्षिण में बेटा ये विश्ववत रेखीय क्षेत्र है कौन सा क्षेत्र है इक्वटोरियल क्षेत्र है और यहाँ पर लगभग पूरे वर्ष यहाँ पर सूर्य की लगभग लंबवत किरणें होती हैं लंबवत का मतलब होता है पृथ्वी जो सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं 90 डिग्री का कोण बनाती हैं और जहाँ पर सूर्य की किरणें 90 डिग्री का कोण बनाती हैं वहाँ पर गर्मी होती है इसको भी थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझ लूँ जैसे सुबह सुबह की बात है सुबह देखो सूर्य सामने होता है आपने अपनी किताब को ऐसे करके रख लिया सिर पर देखिए सामने सूरज है सूरज से किरणें आती हैं ऐसे करके कितना एंगल बना रही है जीरो सुबह कम ठंड होती है अब सूरज ऊपर जा रहा है सिर को ऊपर आ गया अब ऐसे करके यहां पर देखो कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री का एंगल तो गर्मी कब ज्यादा होती है दोपहर में क्यों गर्मी होती है क्योंकि सूर्य की किरणें 90 डिग्री का कोण बनाती है सुबह गर्मी क्यों कम होती है क्योंकि सुबह सूरज की किरणें जीरो डिग्री का कोण बनाती हैं। याद रखना सूर्य की जो किरणें हैं पृथ्वी के सापेक्ष जितना ज्यादा कोण बनाएंगी उतना ही ज्यादा वहां पर गर्मी होगी और कम कोण बनाएंगी वहां पर कम गर्मी होगी ठीक है तो वर्ष भर यहां पर सूरज की किरणें लगभग 90 डिग्री का कोण बनाती हैं लगभग 90 डिग्री का क्योंकि हम एक आदर्श पोजीशन ले रहे हैं बदलता रहता है बेटा सूर्य की किरणें कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में नाइन्टी डिग्री का कौन बनाती है पूरे साल आपको पता है इक्कीस जून को कर्क रेखा पर नाइन्टी डिग्री का एंगल बनता है ठीक है और 22 जो दिसंबर है वो कहां पर बनता है वो मकर रेखा पर बनता है और रेखा पर दो बार बनता है एक तो इक्कीस मार्च को बनता है तेईस सितंबर को बनता है लेकिन रहती रहती सूर्य की किरण वही है चलिए उसके कारण यहां पर यह वाला क्षेत्र देखो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है यहां से क्या होता है बेटा अब यहां पर क्या है अब तुम बताओ यहां पे सूर्य की 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं तो यह वाला क्षेत्र गर्म हो जाता है यहां पर तापमान हो जाता है ज्यादा ये वाला क्षेत्र क्या हो जाता है गर्म हो जाता है तापमान हो जाता है ज्यादा और तापमान ज्यादा होगा तो एयर बिकम हॉट एंड राइज अपवर्ड ये धरती ऐसे समझ लो हवा को ऊपर उठा दो चलिए ये हवा ऐसे करके ऊपर उठ जाएगी जैसे अगर मैं विश्वत रेखा पे खड़ा हूं तो ऐसे करके हवा उठेगी ऊपर चली जाएगी यहां पे बना नहीं सकता ना तो यहां पर मैं समझाने के लिए ऐसे करके एक लाइन बना दे रहा हूं ये वास्तव में लाइन बेटा ऐसे है समझाने के लिए है बस ठीक है चलिए ये ऐसे करके हवा उठी तो यहां पर हवा कम रह जाएगी यहां पर क्या बन जाएगा लो प्रेशर बन जाएगा तो यहां पे मैं लिख दूं लो प्रेशर ये कौन सी जगह है विश्वत रेखा तो इसको मैं लिख दू विश्वत रेखीय विश्वत रेखीय निम्न दाव केंद्र निम्न दाव पेटी क्योंकि एक ये बेल्ट की तरह है इसलिए इसको हमने क्या दे दिया है विश्वत रेखीय मैं पूरा लिख दे रहा हूं विश्ववेखी चलिए विश्वत रेखी लो प्रेशर बेल्ट ये बात समझ में आ गई यहां पर क्यों बना पर तापमान ज्यादा रहता है वायु गर्म होती है वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है केतली से निकली हुई हवा भी बताई तो थी याद आ गया होगा ना चलिए ऊपर हवा उठा दो ये हवा ऊपर उठी है वैसे ये ऐसे बनानी चाहिए थी मुझे ठीक है जब मैं पी पीपीटी से पढ़ाऊंगा पूरी बेटा वीडियो दिखाऊंगा हवा को ऊपर उठते हुए चलिए अब ये जो ऊपर हवा जा रही है ठीक है अब मैं समझा रहा हूं देखो समझो ये ये क्या है ये है तुम्हारी विश्वत रेखा यहां पर तापमान ज़्यादा है और ये हवा ऐसे करके उठ रही है ऊपर उठ रही है बेटा अब हवा ऊपर उठेगी कितनी ऊपर जाएगी एक लिमिट होती है कि ऊपर जाने पर क्या होता है ठंडक होती है तो हवा ऊपर जाना कुछ समय के बाद आठ या नौ किलोमीटर या कभी कभी ज़्यादा कभी कम होता रहता है ऊपर जाकर ऊपर जाना बंद कर देती है अब यहां हवा यहां इकट्ठी हो गई अब क्या होगी कुछ हवा तो नीचे आ जाएगी कुछ हवा ऐसे चली जाएगी और कुछ हवा ऐसे चली जाएगी तो देखो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूं कुछ हवा ऊपर चली जाएगी और कुछ हवा नीचे चली जाएगी ऊपर वाली बात है ठीक है और ये हवा आगे चलकर बेटा नीचे बैठ जाएगी ये भी हवा क्या होगी नीचे अवतलित हो जाएगी जो यहाँ की हवा उठी थी ऐसे करके देखो समझना तीन चार पेन है यहाँ से अब आपको समझ में आ जाएगा ये हवा ऐसे उठी फिर ऐसे चली और फिर ऐसे करके बैठ गई कुछ इस तरह से मैंने बताया है बात समझ में आ गई नहीं चलिए ऐसे बैठ जाती है जहाँ पर बैठती है अब देखो फिर दोबारा से समझना यहीं पर जहाँ पर ये बैठती है कहाँ बैठ रही है देखो जहां बैठती है उसी की बात है यह मतलब ना कहां बैठ रही है ये बैठती है बेटा तीस से पैंतीस डिग्री नॉर्थ की तरफ इधर कहां बैठती है इधर भी बैठती है बेटा 30 से 35 डिग्री साउथ की तरफ हवा यहां पर बैठ गई हवा यहां पर क्या हो रही है नीचे आ रही है ना गति के कारण कारण पृथ्वी की गति के कारण वो आगे और ज्यादा हम डिटेल में बताएंगे पृथ्वी की गति के कारण ये हवा नीचे बैठ रही है और नीचे बैठ रही है तो यहां पर 30 से 35 डिग्री पर हवा की मात्रा ज्यादा होगी या ना हवा की मात्रा ज्यादा होगी तो यहां पे ज्यादा हवा तो क्या है हाई प्रेशर क्या है यहां पर हाई प्रेशर देखो क्यों हो रहा है क्योंकि हवा यहां पर बेटा नीचे बैठ बेट रही है हाई प्रेशर बन गया इस जगह को क्या कहते हैं बेटा उपोषण हाई प्रेशर पेटी यानी बेल्ट इसको भी यही कहते हैं उपोषण उच्च दाब पेटी बात क्लियर हुई कि नहीं अब ये बता दो मेरा बहुत सिंपल है ठीक है अब देखना चलिए और थोड़ा सा मैं आगे बता दूं अब यहीं पे एक चीज और बता दूं, और सिंपल हो जाएगा तुम्हारे लिए ये तो बेटा धरती है ना हाँ 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 ये ये तो धरती है यहाँ पर क्या है हाई प्रेशर यहाँ पे क्या है लो प्रेशर और हवा हवा हमेशा याद रखना दोनों में अंतर आ गया ये हाई प्रेशर लो प्रेशर तो हवा की हमेशा बात याद रखना पवन की जब हम बात करेंगे जो पवन होती है बेटा हमेशा हाई प्रेशर से पवन जो होती है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है ये भी याद रखना यहां पे ज्यादा हवा है देखो सिंपल है ज्यादा दिमाग मत लगाना इसमें यहां पे ज्यादा हवा है यहां पर कम हवा है लो प्रेशर कमी तो है तो ये वाली जो हवा है यहां पर भरने के लिए भागेगी इधर भागना शुरू कर देगी यही होता है छैतीस प्रवाह तो वायु हमेशा पवन है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है तो यहाँ पे बेटा क्या है हाई प्रेशर यहाँ पे लो प्रेशर तो ये हवा बेटा ऐसे भी चलना प्रारंभ कर देगी धरती पर ऐसे भी चलना प्रारंभ कर देगी ये भी हवा ऐसे ही चलना प्रारंभ कर देगी अब देखो कितना मजा आ गया है यहाँ पे है ये हवा धरती वाली ऐसे चल रही है ये हवा धरती वाली ऐसे चल रही है यहाँ पे आ गई यहां से गर्म होके ये ऊपर उठ रही है ऊपर उठने के बाद बेटा ऐसे जा रही है फिर ऐसे जा रही है ठीक है ऐसे जा रही है फिर ऐसे जा रही है और फिर ऐसे जा रही है बन गया एक सेल बन गया ये पूरा एक चक्र बन गया इसको बेटा हेडली सेल कहते हैं हेडली सेल मस्त चीज है सिंपल है कोई ज्यादा टिपिकल नहीं अब आइए थोड़ा सा और समझ लेते हैं ठीक है देखो क्या समझते हैं? को बताऊंगा और ज्यादा नहीं बताऊंगा पैसठ डिग्री नॉर्थ यहां भी होती है साठ से पैसठ डिग्री साउथ यहां भी होती है अब यहां पर पृथ्वी का प्रक्षेपल ज्यादा होता है क्योंकि ध्रुवों के पास है प्रक्षेप बल जो होता है कोरियुल जो फोर्स होता है ठीक है वो क्या करता है यहां की वायु को ऊपर फेंक देता है यहां तो हवा होगी ना तो यहां की हवा बेटा इस तरह से ऊपर चली जाती है ठीक अब यहां पे ऊपर जाएगी यहां की भी हवा बेटा ऊपर जाएगी देखो सिंपल कितना सिंपल है वही याद समझना यहां पे ऊपर जाएगी ऊपर हवा चली गई यहां से तो यहां पे लो प्रेशर बन गया हवा ऊपर चली गई लो प्रेशर बन गया मैंने क्या बताऊ हवा ऊपर जाएगी तो लो प्रेशर बनेगा नीचे बैठेगा इसको कहते हैं उसको कहते हैं उपध्रुवीय क्या कहते हैं लो प्रेशर बेल्ट ठीक है इसको? इसको भी कहते हैं इसको सेम है सब पोलर में लिख नहीं रहा हूं यहां पे लो प्रेशर बता रहा हूं बस लो प्रेशर बेल्ट बन गई एक और बेल्ट चलिए बेल्ट बन गई तो अब क्या होगी ये वाली जो पवन है वो भी इधर चलेगी या इधर चलेगी और फिर यहां पे क्या आ जाएगी बेटा ये भी यहां पे बैठ जाएगी यहां पे हाई प्रेशर हो रहा है देखो अब यहां पर क्या हाई प्रेशर तो ये विंड कैसी चलेगी मैं थोड़ा वही बना दे रहा हूं ये दूसरा कलर ले लेता हूं ये वाला तो ये विंड ऐसे चलेंगी अब याद रखना क्यों चल रही है ऐसे क्योंकि यहां पर हाई प्रेशर है यहां पर लो प्रेशर और वायु हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है ये धरातल है ये धरातल पे चल रही है तो यहां पर कैसे चलेगी ऐसे चलेगी फिर यहाँ पे ऊपर उठ जाएगी यहाँ पर ये आ जाएगी और यहाँ पर ये ऐसे करके बैठ गई यहाँ पे भी देख लो यहाँ पे ऊपर उठी ऐसे करके चली ऐसे करके चली ठीक है ऐसे करके चली और ऐसे करके चली बन गया एक और सेल, इसको हम कहते हैं दोनों को ये दोनों हैं ये वाले हैं ये दोनों क्या हैं इनको कहते हैं हम फैरल बेटा जलवायु तो ऐसी आ जाएगी आपको कि जीवन में कभी आप जलवायु को तो नहीं भूल पाओगे कुछ भी बोल जाओ लेकिन जलवायु नहीं भूल पाओगे ठीक तो चलो आगे चलते हैं सिंपल है ठीक है क्या सिंपल है ये हवा बेटा ऊपर जाएगी यहाँ पर यहाँ पर क्या है यहाँ पर तो क्या है मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं जिससे कि आपको याद रहे यहां पर तो नॉर्थ पोल है यहां पर तो तापमान ज़्यादा रहता है यहां पर तो हवा नीचे बैठेगी तो यहाँ पे हवा क्या हो रही है ये नीचे बैठ रही है हवा तो नीचे आ गई तो नीचे आएगी हवा तो यहां पर क्या बन जाएगा हाई प्रेशर बन जाएगा ना यहाँ यहां भी हवा नीचे बैठ रही है तो सेम यहाँ होगा ये भी तो यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाएगा क्यों? ऊपर की हवा क्या हो रही है नीचे बैठ रही है तो हाई प्रेशर ठीक है चलिए अब हाई प्रेशर है तो मैं एक नए कलर में इसको बता दे रहा हूं फिर आपको ये और क्लियर हो जाएगा हाई प्रेशर से बेटा हवा ऐसे चलेगी धरती वाली धरती वाली हवा वाल मैंने इस पर बनाई है ऐसे चलेगी ठीक है फिर यहाँ से क्या जा रही है देखो यही वाली पवन ऐसे उठ रही है।, ऐसे रही है फिर ऐसे जा रही है फिर ऐसे जा रही है और फिर ऐसे जा रही है यहाँ पे फिर देख लो यहाँ पे और सिंपल है ठीक है क्या सिंपल है यहाँ पर देखो यहाँ पर पवन ऐसे जा रही थी फिर ऐसे जा रही थी फिर ऐसे चल रही है फिर ऐसे चल रही है तो ये वाला जो है इसको कहते हैं हम ध्रुवीय सेल इसको क्या कहते हैं बेटा हम ध्रुवीय सेल इसको क्या कहते हैं हम ध्रुवीय सेल ठीक है इस तरह से अब यहां पे थोड़ा समझ लो ये जो विंड आपको दिखाई दे रही है ये इधर वाली जो विंड है जो इस पर चल रही है इन्हीं को कहते हैं धरातलीय पवन और जो विंड बेटा ये ऊपर चल रही है यहां पर ये विंड चल रही है जो ये चल रही है ये चल रही है ये चल रही है ये चल रही है और ये चल रही है दैट्स कॉल्ड जेट स्ट्रीम इन्हीं को जेट स्ट्रीम कहते हैं जो वायुमंडल के ऊपर चलती हैं क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में चलती हैं है मंडल की नीचे सीमा में चलती हैं अपर जो लिमिट है जो हमारे ट्रोपोस्फियर की वहां चलती हैं और लोअर लिमिट हमारे स्टेसोफियर की वहां चलती हैं बात समझ आएगी नहीं तो चलिए यहां पर मैंने आपको ये सारी चीज़ बता दी ये सारे फेनोमिना बता दिए इनमें से ही मैं आपको ये पीले कलर वाली हैं इन्हीं को बेटा पूर्वा पवन कहते हैं ईष्टलीज कहते हैं यहां पर ये जो पवन आपको दिखाई दे रही है ये और ये जो ग्रीन वाली हैं इनको पछुआ पवन कहते हैं क्यों कहते हैं मैं भी आपको ये बताऊंगा क्योंकि फेरल का नियम है कि जो विंड जब चलती है कि वो पृथ्वी घूम रही है तो ये बिछ्छेप हो जाती है थोड़ी सी मुड़ जाती हैं ठीक है मुड़ जाती है तो मुड़ जाने का क्या नियम है वो मैं अभी आपको बताऊंगा तो यहां पर हो गए। ये हो गई ये वाली जो विंड है जो हमारी बनी हुई है कैसे ब्लू से ये है आपकी पोलर विंड ये है आपकी ईस्टर्न ईस्टर्नलीच और यहां पर है आपको ये वेस्ट